श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो, और वहीं क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत करने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कद्र कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमज़ोर होते हैं कुछ इंसान, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ज़्यादातर दुख उन लोगों को मिलता है जो रिश्तों को सच्चे दिल से निभाते हैं। जेब में छोटा सा छेद क्या हो जाए, पैसों से ज़्यादा रिश्ते बिखर जाते हैं। यहाँ पर हर कोई खुद को सही समझता है, इसलिए मैंने खुद को ही गलत मान लिया। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। चेहरे सबके याद हैं, मुझे बस वक्त का इंतजार है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत है जो सबके अंदर नहीं होती। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और चेहरा हंस रहा है। वक्त का काम तो गुजर जाना है। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल प्रेम के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत ही कम। तूफान का आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। समय से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। देखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, समय तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो,
बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करना। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो वो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी कभी संतोष नहीं होगा। विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज़ बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते, लेकिन इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते हैं सब अपनी मर्जी से। बोलना सीखिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। मजबूत होने में मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर कर देने पर तुली हो। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना अब आपकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा समय कभी नहीं आता है, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी होगी। गम नहीं है किसी भी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत ही बुरी बात थी। वो बुरी बात ये थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सजा सिर्फ एक ही थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा उस गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह तरपा तरपा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे। उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। तो गलती चाहे किसी की भी हो, सबकी सजा यही थी। इसलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है और वो गलती हिसाब करने में होती है। अब वो महामंत्री राजा से माफ़ी भी मांगता है और कहता है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे कुछ हिसाब में गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है, महामंत्री जी आपको पता ही है हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो सज़ा आपको भी मिलेगी, आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में बड़ा गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। अब महामंत्री को जब पता चलता है उसे भी वही सज़ा मिलने वाली है, उसे भी 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा, तो वो राजा से बोलता है, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उससे अपनी आखिरी इच्छा बताने को बोलता है। तब वो महामंत्री राजा को बोलता है कि आप मुझे सजा बेशक यही दीजिएगा कि मुझे उन कुत्तों के सामने डाल दीजिएगा, लेकिन आप मुझे 15 दिनों की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिनों के बाद सजा दे दीजिए, मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। तब राजा उस महामंत्री की ये बात मान लेता है। अब 15 दिन के बाद महामंत्री को लाया जाता है। तब वो राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को उन जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाए। अब महामंत्री को उस बेड़े में छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर उस कुत्ते को रखा गया था। राजा ऊपर से देख रहा होता है कि वो कुत्ते महामंत्री को काट नहीं रहे, महामंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे, बल्कि उसे चाट रहे, उसे प्यार कर रहे। तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ये जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, परंतु ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। राजा हैरान हो जाता है। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुरा के बोलता है, प्रभु मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझे ऊपर बुलाइए तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। राजा उसे ऊपर बुलाता है और महामंत्री को सभा में बुलाया जाता है और महामंत्री राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब वो महामंत्री बताता है, आपने मुझे 15 दिनों की मोहलत दी थी
उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, इनके साथ एक रिश्ता बनाया, इनको नहलाया, खाना खिलाया, इनके साथ में रहा, इनके साथ खेलते कूदते हमारी दोस्ती हो गई, इसलिए अब ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है, लेकिन मेरे वचन का क्या होगा? तब महामंत्री बोलते हैं, आपका वचन था कि आप इन कुत्तों के सामने मुझे डालेंगे, और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी, उन्होंने कुछ नहीं किया वो अलग बात है। महामंत्री बोलता है, महाराज मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूँ, उन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन सेवा की और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, और आपके साम्राज्य के लिए मैंने सालों की सेवा की, लेकिन आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, और ये बहुत बार होता है। हम लोगों के लिए ज़िंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, पर जब कद्र करने का वक्त आता है तब लोग कद्र नहीं करते, और किसी के लिए आप कुछ ही दिन कुछ कर दो, आप उनके लिए भगवान का रूप बन जाते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।